नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिवारिक समझौते के बारे में, जिसे आप लोग फैमिली सेटलमेंट भी कहते हैं। अब अक्सर देखा जाता है जब किसी पारिवारिक संपत्ति के अंदर लोग आपसी सहमति से या तो बंटवारा करते हैं या आपसी सहमति से उस संपत्ति को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई पार्टीशन का दस्तावेज नहीं बनाया जाता, कोई मेमोरेंडम नहीं बनाया जाता, वो लोग सिर्फ एक पारिवारिक समझौता बनाकर तैयार कर लेते हैं। नाउ, पारिवारिक समझौता सिर्फ टर्म्स कंडीशन लिखी जाती है कि किसको कौन सा हिस्सा दिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, और सभी लोगों के साइन कराकर या फिर ज्यादा से ज्यादा स्टैम्प पेपर या दो लोगों के साइन कराकर गवाह के तौर पर उस दस्तावेज को रख लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या पारिवारिक समझौता बिना रजिस्ट्रेशन के कानूनी रूप से वैलिड है? और दूसरी सबसे मुख्य चीज, अगर पारिवारिक समझौता किया जा रहा है और उसमें पैसों का लेन देन नहीं है, यानी कि मोनेटरी कंसीडरेशन नहीं है, तो क्या इसको कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर थोड़ा सा फैमिली सेटलमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट डिस्कस की जाएगी, जहां पर आप लोगों को यह पता लगेगा कि क्या पारिवारिक समझौता अगर किसी संपत्ति पर किया जा रहा है तो वो कानूनी रूप से कितना वैलिड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, बात आती है पारिवारिक समझौते की, जिसको बोला जाता है फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट। नाउ लोग क्या करते हैं, एक आम व्यक्ति क्या करता है, बाजार से एक स्टैम्प पेपर स्टैम्प वेंडर से खरीद कर ले आता है, उस पर सभी लोगों के हिसाब से संपत्ति को आपस में बांट लिया जाता है। कुछ लोग ज्यादा संपत्ति ले लेते हैं, कुछ लोग कम संपत्ति ले लेते हैं, उसके पीछे का कारण लिखा जाता है और अंत में उस दस्तावेज पर साइन करवा लिए जाते हैं, या फिर लोग ज्यादा से ज्यादा दो विटनेस, दो गवाहों के साइन करवा लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ फैमिली सेटलमेंट इतने में बनकर तैयार हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 देखें, इसी का सेक्शन 17 पढ़े, तो वो बोलता है कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी का राइट डिक्लेयर कर रहा हो, क्रिएट कर रहा हो, असाइन कर रहा हो, तो उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो फैमिली सेटलमेंट का दस्तावेज भी किसी का राइट उसमें क्रिएट करता है, क्योंकि बंटवारा करके किसी को एक हिस्सा मिल गया, तो ऐसा दस्तावेज पहली चीज रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। अगर आप लोग भी ऐसा एक दस्तावेज बनाकर बैठे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 कहता है कि कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर आप अब इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं करा सकेंगे। हां, कोलेट्रल प्रोसीडिंग्स में तब भी इसको दिखाया जा सकेगा। अगर आप इस बारे में रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में और डिस्क्राइब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की बुक का लिंक दिया है, जहां पर मात्र आप क्लिक करके घर बैठे अमेज़न से अपनी बुक मंगवा सकेंगे। नाउ इसके बाद बात आती है फैमिली सेटलमेंट में मोनेट्री कंसिडरेशन की, यानी कि अगर परिवार का संपत्ति का बंटवारा उस पारिवारिक समझौते फैमिली सेटलमेंट से किया जा रहा है, किसी को कम हिस्सा दिया जा रहा है, किसी को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि मोनेटरी कंसिडरेशन वहां पर रहे, यानी कि पैसों का लेन देन वहां पर हो, क्या यह चीज होनी जरूरी है, या फिर मोनेटरी कंसिडरेशन की जगह कोई ऐसी कंडीशन डाल दे कि आपको जीवन भर मेरी सेवा पानी करनी पड़ेगी, जैसे कि एक गिफ्ट डीड में लगाई जाती है, या फिर आप इस जमीन को बेच नहीं कर सकते, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करोगे, क्या इस प्रकार की कंडीशन फैमिली सेटलमेंट में डाली जा सकती है? अब ये चीज मैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसको डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको केस टाइटल यहां पर दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर
केस टाइटल है हमारा रामचंद्र रेड्डी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर, जो यहाँ पर अपीलियंट है, वर्सेस रामोलू अमल डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3034 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 14 नवंबर साल 2024। अब प्रेजेंट केस में भी पारिवारिक समझौते को लेकर विवाद चल रहा है। प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एक गोविंद अमल नाम का व्यक्ति था। जब पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा हुआ तो ये गोविंद अमल नाम के व्यक्ति को 2/3 जमीनों का हिस्सा दिया गया, मतलब कि ज्यादा हिस्सा दिया गया, पर कंडीशन डाली गई जो व्यक्ति अपना हिस्सा दे रहा था इस गोविंद अमल नाम के व्यक्ति को उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और दूसरी चीज उसको चैरिटी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ दोस्त, यहां पर गोविंद अमल ने 2/3 हिस्सा अपने पक्ष में सेटलमेंट डीड के माध्यम से करवा लिया। अब बाद में इस चीज को लेकर विवाद हुआ तो गोविंद अमल का कहना है कि देखो भाई, यहां पर कोई पैसों का लेन देन तो नहीं हुआ, ये तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट दी गई है और अब मैं इसका पूरा अधिकारी हूं, क्योंकि गिफ्ट डीड ही इसी तरीके से बनाई जाती है जहां पर पैसों का लेन देन नहीं होता, मात्र कंडीशन डाल दी जाती है। नाउ ट्रायल कोर्ट का कहना था कि देखो भाई, यहां पर जरूरी नहीं है कि जो पैसों का लेन देन, यानी कि अगर डीड के अंदर कोई कंसिडरेशन हो तो वो पैसों से ही हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन डाली जा रही है कि मेरा सेवा पानी करोगे तो वो भी एक प्रकार का कंसिडरेशन ही है और हर जगह मॉनेटरी कंसिडरेशन होना भी अनिवार्य नहीं होता। ये चीज साफ तरीके से ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करी। अब मैटर आगे अपीलियंट कोर्ट में गया, उसने भी सेम यही फैसला ठहराया, पर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि देखो, यह तो एक प्रकार का गिफ्ट का दस्तावेज है, इसको गिफ्ट डीड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नाउ यह मैटर अब फाइनली अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखना है कि क्या सेटलमेंट डीड बनाते समय कंसिडरेशन जो हो रहा है जरूरी यही है कि पैसों की तरह हो, क्या इस प्रकार की कंडीशन डालना भी कंसिडरेशन नहीं होगा। अब डिस्प्ले पर ध्यान दे कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। यहां पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस है सी वी रवि कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय कारोल, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि जो कंसिडरेशन है सिर्फ पैसों में हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया कि देखो भाई, अगर जो ट्रांसफरर है जो अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे रहा है वो कंसिडरेशन में ये कहे कि मेरी देखभाल करो, टेकिंग केयर करो और उस पर चैरिटी वर्क करो, तो ये भी एक प्रकार का वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को अब ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, अगर टेकिंग केयर डालना, देखभाल करना, इस प्रकार का कोई कंसिडरेशन डाला गया है तो वो भी बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ ही गया कि अगर संपत्ति अब आप लोगों को ट्रांसफर करनी है तो उस चीज के लिए ये बिल्कुल नई अपडेट यहां पर आ गई है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी ऐसी चीज कही जा चुकी है? तो मैं आप लोगों के साथ कुछ लैंडमार्क जजमेंट और डिस्कस कर लूं जहां पर यही मॉनेटरी कंसिडरेशन के बारे में बात की गई थी। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, केस टाइटल है हमारा काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, 21 जनवरी साल 1976 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडरेशन को लेकर इस जजमेंट में बोला क्या था। देखिएगा दोस्तों, इस जजमेंट में भी यही बोला गया था कि देखो भाई, अगर सेटलमेंट डीड की जा रही है फैमिली मेंबर्स के बीच में ताकि डिस्प्यूट खत्म हो जाए, फ्यूचर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो बिना मॉनेटरी कंसिडरेशन के भी की जा सकती है, यानी कि सेटलमेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी कंसिडरेशन ही किया जाए, पैसों का लेन देन ही किया जाए। अब इसके अलावा दूसरी जजमेंट है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा आप डिस्प्ले पर, देखिएगा यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड एंड अदर्स, 9 मई साल 1983 की ये जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर बोला गया कि जो कंसिडरेशन है जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मॉनेटरी हो, मतलब पैसों की तुलना में हो, यहां पर अगर कोई नॉन टेंजेबल बेनिफिट है जैसे कि कोई परिवार का लड़ाई झगड़ा रिजोल्व हो रहा है, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, तो इस प्रकार का कंसिडरेशन भी फैमिली सेटलमेंट में बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। अब वीडियो की लास्ट जजमेंट पर ध्यान दीजिए, देखिएगा इसका केस टाइटल है हमारा कृष्णा बिहारी लाल वर्सेस गुलाब चंद्र एंड अदर्स, 16 मार्च साल 1971 की जजमेंट। अब ध्यान दें
कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर बोला गया अगर कोई फैमिली सेटलमेंट किया जा रहा है तो वहां पर लव, अफेक्शन और परिवार में हार्मनी मेंटेन करना एक प्रकार का सफिशियंट कंसिडरेशन ही माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पैसा ही कंसिडरेशन होता है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। अगर बात आएगी फैमिली सेटलमेंट की, तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, लव अफेक्शन मेंटेन करना, हार्मनी पीस भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। इस व्यक्ति की देखभाल करना जो उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो भी वैलिड कंसिडरेशन बोला जाएगा। और ये बोलकर कि यहां पर तो पैसों का लेन देन नहीं हुआ, किसी भी फैमिली सेटलमेंट को अब कैंसिल नहीं कराया जा सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।